उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा भर्ती का इंतजार करते करते और इस तरह की वीडियो सुनते सुनते टेट सीटेट पास कल के भावी शिक्षक शिक्षिका एकदम डिमोटिवेट हो गए हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ें छोड़ दें कुछ और करें क्या अपना एम ही बदल दें। ऐसे बहुत तरह के सवाल मन में आते हैं। क्या यह ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक शिक्षक भर्ती के बाद एक लंबे अंतराल पर शिक्षक भर्ती आ रही है? जब इस बात के हम इतिहास में जाते हैं तो हमें मिलता है कि ऐसा बहुत बार हो चुका है जब एक लंबे गैप के बाद उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्तियां देखने को मिली हैं। कई बार कहा जा रहा था कि 69 शिक्षक भर्ती के बाद एक बड़ी भर्ती नहीं आएगी या 72 शिक्षक भर्ती के बाद एक बड़ी भर्ती नहीं आएगी, 68,500 के बाद नहीं आएगी। ऐसा बहुत बार हुआ है लेकिन अलग अलग समयों पर देर सवेर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियाँ आया करती थी और आई भी हैं, लेकिन इस बार एक लंबा अंतराल हो गया है जिस अंतराल के बाद सभी अभ्यर्थी डीमोटिवेट हो गए हैं। जब भी उन्हें कोई वीडियो देता है तो उनको उनके नीचे कमेंट करते हैं, लिखते हैं कि सर धरना देने पे भी भर्ती आएगी। तो ऐसे बहुत सारे इतिहास गवाह हैं कि भर्तियां कैसे और कब किस किस आधार पर आई हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि धरना देने से भर्तियां और विलम्ब हो रहा है, कुछ लोग का मानना है धरना देने से ही भर्ती आएगी, धरना को सपोर्ट करना चाहिए। देखिए आप सभी का एक व्यक्तिगत विचार है, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती का इंतजार उत्तर प्रदेश के तमाम टेट सीटेट पास युवक और युवतियां कर रही हैं। आपने भी देखा होगा कि माननीय न्यायालय के शरण में भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी गए हैं और उनका यह मानना है कि आरटी 2009 के मानक के आधार पर, आरटी 2009 के उस शिक्षक और छात्र के अनुपात के आधार पर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती की राह लगभग 2.5 लाख पद पर होना चाहिए, उन्हें 2.5 लाख रिक्तियां उन्हें नजर आती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो माननीय सरकार की तरफ से भी सदन में यह बात स्वीकार किया गया कि लगभग 51,000 पदों पर पद रिक्त है। तो इससे एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में देर सवेर एक नई शिक्षक भर्ती जरूर आएगी, लेकिन उसके पहले अगर हम टेट की बात करें कि यूपी टेट परीक्षा होगी या शिक्षक भर्ती आएगी, तो ये बात को भी एकदम पूर्ण सत्य है कि यूपी टेट के बाद ही उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती हमें और आप सभी को देखने को मिलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि यूपी टेट तभी हो पाएगा जब आपका बीटीसी बीएड का मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जो जिसका ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, बीटीसी बीएड का जजमेंट आने के बाद ही यूपी टेट और नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। क्योंकि कई ऐसी चीजें, कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर जो सत्य है, मतलब जिन पे हम और आप बातों को समझ सकते हैं, जिन पर बातों पर हम चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे केवीएस राव उसमें भी लिख कर आया था कि जब तक बीटीसी बीएड को जो बीटी को सम्मिलित किया गया माननीय न्यायालय के फैसले के अधीन किया है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आपने देखा 2021 के यूपी टेट के भी मार्कशीट सबको नहीं मिल पाई है। बहुत सारे लोग इस बात को पूछते हैं सर यूपी टेट का मार्कशीट कब मिलेगा, लेकिन उन्हें कई वीडियो मैंने बता दिया है कि जब तक नई शिक्षक भर्ती आने से पहले जब तक माननीय न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता बीटीसी बीएड को लेकर, तब तक उन्हें उत्तर प्रदेश में टेट की मार्कशीट नहीं मिल पाएगी 2021 के। और इसी के नाते यूं कहें कि माननीय न्यायालय की बात फैसले के बाद भर्ती आएगी या चुनाव के समय भर्ती आएगी, चुनाव के बाद भर्ती आएगी, भर्ती कब आएगी ये न हम बता पाएंगे न आप बता पाएंगे। हम सब उम्मीद एक जता पाते हैं जो कोरी सच्चाई, और आपने भी अगर बीटीसी बीएड डीएलएड कोर्स पढ़ा होगा या 2 वर्षीय प्रशिक्षण पूरा किया होगा तो एक उम्मीद के भरोसे कि आप कल को सरकारी अध्यापक अध्यापिका बन जाएंगे, अपने परिवार अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो इस ही उद्देश्य के साथ आपने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, आपने 2 साल का प्रशिक्षण लिया था बीटीसी बीएड डीएलएड पीएलएड अलग अलग नामों से अलग अलग स्थानों पर, उसके बाद कई बार आप टेट और सीटेट पास हो गए, फिर से टेट सीटेट दस्तक देने जा रहा है, लेकिन हम कितनी बार सीटेट टेट पास हो तो उत्तर प्रदेश में एक सरकारी शिक्षक बनने की जो होड़ है वो लगातार लगी हुई है। तो हम फिर से आपसे एक बात ये कहना चाहेंगे जाते जाते कि आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी तैयारी को और बेहतर करते रहें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं खेत में। किस्मत का दरवाजा, किस्मत का ताला कब खुल जाएगा नहीं कहा जा सकता। एक दिन में आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी और एक दिन में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, और भर्ती कब आ जाएगी, कब माननीय सरकार आपके लिए भर्ती का पिटारा खोल दे ये ना मैं जान पाता हूं ना आप, लेकिन हाँ इतना जरूर तय है कि कोई भर्ती आखिरी नहीं रही है। एक बार मैं फिर से जिक्र करूंगा कि
मूलाधिकार फंडामेंटल राइट का मतलब ही होता है जो सरकार के अधिकार को कम करता है। अनुच्छेद 21 से अगर आप पढ़े हैं और सीटेट पास होते बाद जानते होंगे, 21 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है, अगर किसी भी को इससे वंचित नहीं कर सकता। इसके लिए 226 के तहत हाईकोर्ट और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया जा सकता है। इस आधार पर निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बच्चों का मूल अधिकार है। अगर किसी गांव में एक भी बच्चा है तो स्कूल में जाएगा, उसका दाखिला होगा और वहां पर टीचर लगेंगे और पढ़ाएंगे। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि भर्तियां नहीं आएंगी, स्कूल बंद हो जाएंगे सरकारी, केवल प्राइवेट चलेंगे, तो कोरी अफवाह है, ये पूरी तरह से बदनाम करने की साजिश है। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं। ये जानते रहिएगा कि नई शिक्षा नीति में भी इस बात का जिक्र है, आरटी 2009 में इसका जिक्र है और अनुच्छेद 21 ए में भी ये प्रावधान किया गया है। बस विलंब होगा, विलंब के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा कारण है मुझे इस बात पे नहीं पता। और आप लोग कुछ लोग कहने लगे सर आपने तो अंधरने की बात नहीं, देखिए वो आपका व्यक्तिगत मामला है, आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, क्योंकि आप कल को गवर्नमेंट शिक्षक होंगे, आपके भी एक दायरा हो जाएगा, आपके माँ बाप अगर आपके परिवार में कोई होगा तो उसका भी एक दायरा, क्योंकि वो सरकार का कर्मचारी होता है, सरकार का नौकर होता है, उसे सरकार के ही कामों को लेकर चलना होगा। कल को जैसे मैं एज ए गवर्नमेंट शिक्षक होकर मैं हमेशा चाहता हूँ आपको अपने ज्ञान से अब तक अलग जगाता हूँ, ताकि इस निःशुल्क शिक्षा से अपने मैं जो भी मेरे पास है मैं आप तक पहुँचा दूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं लर्निंग में दुर्गा गेस्ट के रूप में आता हूँ, मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, कुछ बेहतर देने का प्रयास करता हूँ। कल को मैं चाहता हूँ आप भी सरकारी शिक्षक हों और आप भी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बड़ा और कुछ बेहतर करें और आप भी अपना बेहतर दें, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छा लगते हैं। बाकी आपकी इच्छा, पढ़ें ना पढ़ें, कुछ लोग इस बात को लेकर होंगे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं भर्ती आएगी तब पढ़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं यार बकवास कर रहा है रोज भर्ती की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे धरना पे आओ तब हम भर्ती आएगी, तो ऐसे तमाम तरह के लोग बातें करते रहेंगे। लेकिन आप अपने पास अपनी किताबें रख लीजिए, सिलेबस को लगातार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि मेहनत करिएगा और बिना मेहनत के हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से सिखाया है कि सब कुछ बांटा जा सकता है लेकिन ज्ञान नहीं बांटा जा सकता। कब कौन किस पे कटा, कुछ लोग मुझे ही बोलते हैं, आपको भी बोलेंगे, तो लोग को जब उनके हित की बात लगेगी तो उन्हें बेहतर लगेगा, लेकिन जब उन्हें लगने उनके हित की बात नहीं हो रही है तो वो किसी को नहीं छोड़ता। आपने देखा भाई भाई का नहीं होते, जो कभी एक ही माँ के कोख से जन्म लेते हैं, एक ही कलर कपड़े पहनते हैं, एक साथ स्कूल जाते आते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाते हैं, ऐसा कई बार कई जगह देखने को मिला है। तो ये तो अलग अलग की बात है, हो सकता है मेरी बातें बहुत लोग अच्छी भी लगती है लेकिन उनके मन का है मशरफ का है तो उनके मशरफ का नहीं तो मुझे भी गाली देंगे, क्योंकि उनका फितरत है और ऐसे लोग सफल भी नहीं होते। आपने तमाम एग्जाम्पल अपने गाँव में आस पास पड़ोस अपने शहर में देखा होगा कि सफल व्यक्तियों की संख्या कम है, उनकी बात उनके बर्ताव उनके रहने का तरीका, वो लगता है कि नहीं वो कल को सफल जरूर होंगे, और असफल व्यक्तियों का कहना मतलब उनका देख के लग जाता है ये इसके बोलने का डोलने का चलने का मैसेज करने का तरीका ऐसा है ये तो अनपढ़ ही अनपढ़ रह जाएगा। ऐसा लोग कितना भी पढ़े लिख लें, एक शिक्षित होता है एक साक्षर होता है तो दोनों में एक अंतर दिखने को मिल जाता है। लेकिन फिलहाल हमारा फिर से सोई वहीं पे आग उतरी है कि नई शिक्षक भर्ती के लिए हम सब इंतजार कर रहे हैं और हम भी चाहेंगे उत्तर प्रदेश में एक नई शिक्षक भर्ती आप सभी के लिए आए और आपको जल्दी से सरकारी शिक्षक बने। तो आने वाली शिक्षक भर्ती के बाद फिर से एक लंबे अंतराल के बाद शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। अभी मत सोचिएगा कि हर साल आपके साथ शिक्षक भर्ती आएगी, और जब तक नया आयोग नहीं बनेगा तब तक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, और नया आयोग बनने की भी कवायद बहुत तेजी से चल रही है, उम्मीद करते हैं वो भी किसी भी समय का भी पटाखा आपके सामने फूट जाएगा और वो भी बन जाएगा। लेकिन सब कुछ डिपेंड है उत्तर प्रदेश के साथ सर्वोच्च न्यायालय के बीटीसी बीएड के फैसले पर, जो ये कोरी सच्चाई है और यही अंतिम सत्य है, और उसी के आधार पर नई शिक्षक भर्ती आएगी और नई शिक्षक भर्ती माननीय सरकार की अनुशंसा पर आएगी, और माननीय सरकार के अनुशंसा पे और उनके विवेक पर निर्भर करता है कब आएगी। वैसे कहने के लिए उम्मीद लगाई जा सकती है कि नई शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में यूपीटेट के देखने के बाद मिल सकती है। कुछ लोग कहेंगे सर कितनी बार यूपीटेट होंगे, हम तो बहुत बार यूपीटेट पास हो चुके हैं, लेकिन वही है कि प्रक्रिया जो है उसी प्रक्रिया से चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं केवल एक व्यक्ति व्यक्ति विशेष वर्ग विशेष जाति विशेष समूह विशेष के लिए भर्ती में लेट हो रहा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम टेट सीटेट पास युवक युवतियों के लिए भर्ती में देरी हो रही है। अगर हम चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जल्दी से एक नई शिक्षक भर्ती आए और आप सभी के हम सभी के परिवार में फिर से कई लोगों को शिक्षक बनने का मौका मिले और वो उनका उनके परिवार का उनका खुद का सपना पूर्ण, इसलिए आप हमेशा बेहतर करिएगा, हमेशा पढ़ते रहिएगा, उसके बाद जो आपको करना है करते रहेगा, कुछ मत कोचिंग करिए मत क्लास करिए मत कहीं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहिए। मार्केट से बहुत सारी किताबें आपको मिल जाएंगी, मार्केट से किताब लेकर आइए, बाजार से किताब लेकर आइए, मित्र से ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे मिलेगा अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, मत कोस लीजिए किसी क्या मत पढ़िए, लेकिन
सेल्फ स्टडी हमेशा करते रहिएगा, क्योंकि एक घर बनने में कितनी पसीने गिरते हैं, कितने ईंट को रखा जाता है तब जाकर मकान बनता है। एक ईंट से मकान नहीं बनता, और आपका सिलेक्शन एक दिन पढ़कर नहीं होगा, लगातार स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहेंगे, फिर जाकर अंतिम रूप से सफल सेलेक्ट होंगे। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं है, और मैं चाहूंगा माता रानी कृपा आप सभी पर बना रहे और आप सब कुछ बड़ा और बेहतर करें। ठीक है, रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं, और आपकी रेस हमेशा सिलेक्शन से उनसे है जो पढ़ रहे हैं, उनसे नहीं है जो खाली पार्ट टाइम के लिए बस अपने माँ बाप के कहने पर पढ़ रहे हैं, दिन भर फेसबुक पर यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर पीएचडी कर रहे हैं, उनसे बचिएगा, और अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी वास्तविक मेहनत अपनी वास्तविक पूंजी के लिए अपना बेस्ट और बेहतर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। दिल करे तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करने के दा करे तो लाइक करिएगा, लेकिन लोगों तक पहुंचाते रहेगा। अगर आपके कोई व्यक्तिगत सवाल है तो इन लर्निंग विद दुर्गेश इंस्टाग्राम पर आपने सवाल पूछ सकते हैं, और चाहे तो लर्निंग विद दुर्गेश ऐप पर जाएं, वहां पे सुपर टेट के निःशुल्क क्लासेस पड़ी हैं, वह उन्हें पढ़ सकते हैं, उन्हें देख कर तैयार कर सकते हैं। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, आप सभी को आने वाले भविष्य में हम चाहेंगे जरूर बने, लेकिन मेहनत करते रहेगा कि मेहनत से कोई समझौता मत करिएगा, देर से आएगा लेकिन दुरुस्त होगा, और आपका सपना और आपके परिवार का सपना जरूर पूरा होगा। खुद से कभी मत हारिएगा, वरना दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं पाएगी। भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, यकीनन सफलता के दरवाजे आपके लिए जरूर खुलेंगे, जरूर दस्तक देंगे। आप सभी को नमस्ते, इस साल चैत्र की नवरात्रि का ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप सभी को रमजान की शुभकामनाएं, इस देश के सभी लोगों को, और आप सभी को फिर से माता रानी कृपा बनी रहे, सभी के लिए घर परिवार का सपना पूरा हो, यह साल आप सभी के लिए नौकरी का साल हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा, बाकी आपकी मर्जी, लोगों तक पहुंचाते रहे, क्योंकि लोग डिमोटिवेट हो गए हैं और कोई नहीं जानता भर्ती कब आएगी, लेकिन उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में एक लंबी अंतराल के बाद फिर से आपको उत्तर प्रदेश में भर्ती देखने को मिलेगी। बस थोड़ा संघर्ष करना होगा, देर होगा, टूटेंगे लेकिन खुद को जोड़ कर रखेंगे।